हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज बेसिक इलेक्ट्रिक का क्लास 3 यानी कि तीसरा क्लास आपका है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ईएमएफ, पीटी और विभवांतर, ईएमएफ, पीटी और वोल्टेज के बारे में जिक्र करेंगे। ईएमएफ कहें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पीटी कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज कहें तो विभव, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले बात ईएमएफ है क्या, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत वाहक बल, वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक को फ्लो कराया जा सके, ईएमएफ कहलाता है। वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक को फ्लो कराया जा सके, ईएमएफ कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं, इसका यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। यह आपका ईएमएफ है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि ईएमएफ को किससे सूचित करते हैं, तो ईएमएफ को भी से सूचित करते हैं, इसका यूनिट वोल्ट है। अब सेकंड में है पीडी, पीडी कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अर्थ यह होता है दो टर्मिनल पर पोटेंशियल का अंतर विभवांतर कहलाता है, अर्थात पीडी कहलाता है। दो टर्मिनल पर पोटेंशियल का अंतर विभवांतर कहलाता है, अर्थात पीडी कहलाता है। कह सकते हैं इसे पीडी से सूचित किया जाता है और इसका यूनिट वोल्ट होता है। एक और बात बता दूं, पीडी का मान शून्य होता है लेकिन ईएमएफ का मान शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन में आता है पीडी का मान होता है शून्य होगा, एक होगा, तो पीडी का मान शून्य हो सकता है लेकिन ईएमएफ का मान शून्य नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा मैं बता दूंगा आपको, जैसे यह बैटरी है तो बैटरी में आपको दो टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल पर पोटेंशियल यानी कि चार्ज के अंतर को पीडी कहते हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है तो उस समय क्या होता है, दोनों पर चार्ज का मान समान होता है, चार्ज का मान समान होता है यानी कि पीडी का मान समान होता है, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए पीडी का मान शून्य होता है। ईएमएफ एक प्रकार का बल है, अब बल का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विभव। दो टर्मिनल पर ईएमएफ के कारण उत्पन्न पीडी को वोल्टेज कहते हैं, या एक रूप में इसको और बोला जा सकता है, उसको बोला जाता है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वोल्टेज कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विभव इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश होता है। एक प्लस उससे ऊपर चलते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं और इसका यूनिट वोल्ट होता है। बोल चाल की भाषा में किसी से पूछेगा कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है तो वोल्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको। विभव इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश होता है, विभव इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश होता है। विभव को भी से सूचित करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। अगर इससे बात करें भी को, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। W का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। W मतलब कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। यानी कि एक वोल्ट इज इक्वल टू एक जूल बाई एक कूलम होता है। इससे बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछता है, अगर एक वोल्ट बराबर एक जूल बाई एक कूलम, अगर एक वोल्ट या कूलम इस तरह पाएगा तो एक वोल्ट इंटू एक कूलम इक्वल टू एक जूल। कभी कभी पूछता है एक जूल इक्वल टू क्या होगा, तो यह होगा। एक वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, तो यह होगा। एक और जूल, जूल, जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है।
पूछा जाता है कहीं कहीं पर वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट तो जानते हैं लेकिन वोल्ट किस रूप को कहा जाता है, तो जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। यह था हम लोग पढ़ रहे थे वोल्टेज के बारे में। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के मान यानी वोल्टेज के वैल्यू के अनुसार वोल्टेज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वोल्टेज को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। मान कितना होता है, तो लो वोल्टेज का मान 250 वोल्ट तक, लो वोल्टेज का मान 250 वोल्ट तक, मीडियम वोल्टेज का मान 250 से 650 वोल्ट तक, हाई वोल्टेज का मान 650 से 11000 वोल्ट तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मान होता है 11000 से 220 किलो वोल्ट तक। ठीक है, यह हम लोग अभी तक क्या पढ़े, एमए पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और जो वोल्टेज का कैसे यूनिट निकाला जाता है, और टाइप्स ऑफ वोल्टेज के बारे में पढ़े।